कब्ज को दूर करने के उपाय तो आप बता ही रहे हैं। इसमें एक तो बाबा ऐसे हैं जी। स्वामी जी, आप कब्ज को दूर करने के उपाय और योग आसन योगाभ्यास बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही हार्ट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या है ये साबित करता है कि लाइफस्टाइल आपकी अच्छी है या नहीं है, और डाइजेशन से भी इसका क्या डायरेक्ट कनेक्शन है, हार्ट की ब्लॉकेज से छुटकारा कैसे मिल सकता है केवल खान पान और योगाभ्यास के इन तौर तरीकों को अपनाने से। देखो, अभी जो अभ्यास बता रहे थे हम, ये तो पेट के लिए बता रहे थे। जो नौकासन न कर पाए वो सेतु बंद आसन कर सकते हैं, या पादांगुष्ठ नासास्पर्श आसन कर सकते हैं। और हार्ट के लिए देखो, अब मैं 5-7 चीज़ें छोटी छोटी बता रहा हूँ, जिनको हार्ट के अंदर कितने ब्लॉकेज हों। हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हैं, लौकी का ही जूस पिए, लौकी की सब्जी खाएं, और बहुत भूख लगती है तो बॉइल्ड वेजिटेबल ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, वाटरमेलन आदि, भारी फ्रूट नहीं, जैसे आम है और दूसरे केला है वो नहीं लेना, ऐसे लाइट फूड फ्रूट्स ले ले। और बॉइल्ड वेजिटेबल, वैसे तो हम 1-2 महीना लौकी कल्प करा देते हैं, लौकी की सब्जी, लौकी का ही जूस, लौकी का ही सूप, और जो है साथ में कपाल भाती या अनुलोम विलोम करा देते हैं, और हार्ट के ब्लॉकेज 100% निकल जाते हैं। कोलेटर आर्टरी तैयार हो जाती है, मेन आर्टरी खुल जाती है। हार्ट यदि किसी का फैला हुआ है तो हार्ट इनलार्ज भी ठीक हो जाता है, किसी के आर्टरीज फैली हुई है वो ठीक हो जाती है, और सबसे बड़ी बात है किसी किसी के हार्ट के अंदर ब्लॉकेज के साथ साथ इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। अब देखो, ये बटरफ्लाई और ये सूक्ष्म है में ये अभ्यास, ये भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। हार्ट वालों को ये जो अभी आसन बताए, ये आसन करने के साथ साथ उनको गोमुख आसन भी करना चाहिए। गोमुख आसन हार्ट के लिए बहुत अच्छा है ये, और उनको हृदयामृत और कार्डियोग्रिट दे देते हैं। और मैंने ऐसे आज नहीं, करीब मैं ये 30 साल से इस काम को कर रहा हूँ, ऐसे तो 45 साल हो गए मुझे योग करते, 30-35 सालों से जब मैं लोगों को योग कराने लगा तो बड़े बड़े चमत्कार, योग के नए नए आविष्कार मेरे सामने आने लगे। सबसे पहले रमेश शर्मा एडवोकेट को मैंने ठीक किया, मैंने कई बार उदाहरण दिए, उसके बाद तो अब हजारों लोगों के हमारे पास पूरे प्रूफ हैं कि लौकी का जूस ही पिए, लौकी की सब्जी खाएं, बॉइल्ड वेजिटेबल ले लें, थोड़े फ्रूट्स ले लिया, अंकुरित ले लिया, और सुबह शाम कपाल भाते अनुलोम विलोम 1-1 घंटा किया, हार्ट के ब्लॉकेज निकल गए। इधर भाई बैठे हुए हैं हमारे त्यागी जी, और उनकी हालात ये थी कि हेपेटाइटिस हो गया था और गाल ब्लेडर में स्टोन हो गए थे। अब ये भाई देखो कितने साल के हो गए त्यागी साहब? 71 वर्ष के जी। 71 वर्ष की उम्र हो गई। कितनी बार करवाया डॉक्टर ने दोबारा से अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड पहले तो उन्होंने करके ही दिया, भाई तुम्हारे गाल ब्लैडर में भरा पड़ा न, उसके बाद जब ठीक हो गए, उसके बाद में एक फिर तो मैं करवाए के ले गया, वे बोले ये गलत है, मगा जी आप करवा लो, नहीं दोबारा ले आओ करवाए के। मैं दोबारा ले गया, नहीं ये भी ये गलत है, मगा यू गलत है तुम कराओ। तीन बार कराया, गाल ब्लैडर में स्टोन निकलवा ली और हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी है, वो मुझे देगा अच्छे बहुत बढ़िया देगा नोएडा में। और कितनी देर करते थे कपाल भाती? अनुलोम विलोम कपाल भाती 5-6 घंटे दोनों चीज करते, सुबह दोपहर शाम 3 बार करना शुरू कर दिया। और अब ये है बॉडी को डिटॉक्स करने के सबसे बड़े लाइव एग्जांपल, 71 साल के हमारे जो है त्यागी राजवीर त्यागी जी, एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इनका। अब बताओ इस उम्र में ऐसी ऐसी बीमारियों को पराजित करके आए हुए। देखो जी मेरी तो आदत शुरू से ही 12:30-4 बजे मार मार के ठीक कर ली। हाँ जी, वो डॉक्टर बोले हुआ बहुत बड़ा अस्पताल है, क्या है अस्पताल का नाम तो नहीं बताऊं। चलो इनको देना छोटे बच्चे। बिल्कुल स्वामी जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने योग और अच्छा आहार अपना के अपनी बॉडी को प्यूरिफाई किया, बीमारियों को दूर किया।